हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बताने वाले हैं SBI क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट्स रिडीम कैसे करें। SBI क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स रिडीम इनटू कैश। अगर आप SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज करने पर आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता है जिसको आप रिडीम कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले हैं कि SBI क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट्स को कैसे रिडीम करते हैं, एक रिवार्ड पॉइंट का कितना वैल्यू होता है। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करेंगे तो उस पर आपको कितना चार्जेज वगैरह लगता है। इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, SBI क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स रिडीम करने के लिए, कैश में कन्वर्ट करने के लिए SBI कार्ड ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा है, अब इसे हम ओपन करते हैं। जिसे आप SBI कार्ड ऐप को ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम इसमें आपको रजिस्टर करना होता है। SBI कार्ड ऐप में कैसे रजिस्टर करते हैं, मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बनाया, उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा पहले से रजिस्टर है तो यहाँ पर हम MPIN डाल करके लॉग इन कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह से SBI कार्ड ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका SBI का क्रेडिट कार्ड होगा शो करेगा। जैसे हमारा जो है SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है। आपके पास SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, सभी क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने का प्रोसेस जो है सेम है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड में कितना रिवार्ड पॉइंट्स है, यहाँ पर आपको शो करेगा। जैसे हमारे पास 4956 रिवार्ड पॉइंट्स है जिसको यहाँ पर हम रिडीम करने वाले हैं। तो SBI क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए नीचे एक ऑप्शन है मोर का, तो आपको मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है रिवार्ड्स का, तो आपको क्या करना है, रिवार्ड्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है रिडीम का, तो आपको क्या करना है, रिडीम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कई सारे ब्रांड का वाचर शो करेगा जिसे आप SBI क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है रिवार्ड पॉइंट को वाचर में कन्वर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अमेजोन पे ई गिफ्ट कार्ड वाउचर शो कर रहा है 500 रुपए का। अगर आप इसको रिडीम करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2500 रिवार्ड पॉइंट लगेगा। यहाँ पर एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू हो रहा है 20 पैसा। पहले जो है एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता था 25 पैसा, तो यहाँ पर 500 रुपए का अमेजोन पे ई गिफ्ट कार्ड वाउचर लेने के लिए आपको 2500 रिवार्ड पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इससे ज्यादा रिवार्ड पॉइंट अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। 2500 रिवार्ड पॉइंट के बदले हम वाउचर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप दूसरा वाउचर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि यही आप वाउचर ले लीजिए। इसका यूज आप मल्टीपल जगह कर सकते हैं, तो हम जो है इसी में रिडीम करने वाले हैं। इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है, एड टू कार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसे आप एड टू कार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको रिडीम कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको रिडीम कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपका SBI क्रेडिट कार्ड में जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर है यहाँ पर आपको शो करेगा। आपको जो है इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ये वाउचर सेंड किया जाता है। अब आपको इन दोनों ऑप्शन के ऊपर टिक करना है और प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कन्फर्मेशन आ गया है कि आप यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कर रहे हैं। उसके लिए प्रोसेस होगा, ये वाउचर आपको जो है 5 दिन के अंदर आपके रजिस्टर मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आपका क्रेडिट कार्ड का जो रिवार्ड पॉइंट्स है वह जो है रिडीम हो जाएगा। उसके बाद आपका जितना रिवार्ड पॉइंट्स बचा होगा अवेलेबल होगा यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने जितना भी रिवार्ड पॉइंट्स पहले रिडीम किया होगा यहाँ पर शो करेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो मैंने रिवार्ड पॉइंट्स रिडीम किया है वह जो है प्रोसेस में है। जब ये वाउचर हमारे पास आ जाएगा मैसेज में तो यहाँ पर डिलीवर शो कर जाएगा। ये वाउचर आपको कैसे यूज करना है चलिए आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि SBI क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट्स को अगर आप कैश में कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पर 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं लिखा रहेगा डियर और आपका नाम लिखा रहेगा अमेजोन पे ई गिफ्ट कार्ड 500 अगेंस्ट योर रिक्वेस्ट फॉर रिडीमशन ऑफ रिवार्ड पॉइंट्स। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक लिंक मिलेगा और इसी के जस्ट नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पिन मिलेगा 4 डिजिट का। यहाँ पर देख सकते हैं इसका वैलिडिटी भी शो करता है, इस डेट से
इससे पहले पहले आपको इसको रिडीम कर लेना है, यूज कर लेना है। अब यहाँ पर जो आपको लिंक मिला है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अलावा आपके रजिस्टर मेल आईडी पर भी एक मेल आया होगा, इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप इसे भी ओपन करेंगे तो सेम चीज यहाँ पर भी लिखा मिलेगा, यहाँ पर भी आपको एक लिंक मिलेगा और 4 डिजिट का पिन मिलेगा। तो आप दोनों में से कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। अब जो आपको 4 डिजिट का पिन वहां पर शो कर रहा था, उस पिन को यहाँ पर आपको डालना है और सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। पर देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक वाउचर कोड मिलेगा जो कि 500 रुपया का होगा। आपको क्या करना है, इसे कॉपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कॉपी कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अमेजोन ऐप को ओपन करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं मेनू का ऑप्शन है जो 3 लाइन ऑप्शन शो कर रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं, गिफ्टिंग का। तो आपको क्या करना है, गिफ्टिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा गिफ्ट कार्ड्स का, तो आपको गिफ्ट कार्ड्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एड गिफ्ट कार्ड का, तो आपको एड गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर, आपको एंटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब जो आपने कोड कॉपी किया है उस कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है, यानी पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं एड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके अमेजोन पे बैलेंस में 500 रुपया एड हो जाएगा। अब दोस्तों आप इस पैसे से जो है अमेजोन ऐप से रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप SBI क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कैश में रिडीम करना चाहते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि SBI क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं अगर आप कैश में, तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है 118 रुपया का चार्ज देना होता है। मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका 2500 रिवार्ड पॉइंट्स लग जाएगा, बट दोस्तों उसके बदले आपको जो है 380 रुपया मिलेगा, 500 रुपया पूरा नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जो है रिडीमशन फी देना होगा जो कि लगभग 118-120 रुपया हो गया। हमारे हिसाब से आप जो है इस तरह से SBI क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कीजिए। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।